हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ 9000 रुपये के अंदर मिलने वाले दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F02S, दूसरा रियलमी नार्जो 30A। दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे, एक साथ नज़र डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिज़ाइन, कैमरा पर। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पर आए हो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन की पैकिंग पे नज़र डालें तो सैमसंग गैलेक्सी F02S में आपको मोबाइल का डिज़ाइन बॉक्स में देखने को मिलता है। नार्जो 30A में आपको कहीं भी मोबाइल का डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर आपको मिनी बॉक्स रखे हुए मिलते हैं, जिनके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और सिम इजेक्टर पिन मिलती है। इसके बाद आते हैं स्मार्टफोन, जिन्हें फिलहाल के लिए रखेंगे हम साइड में। अंदर आपको चार्जर अडैप्टर और USB केबल दी गई है। दोनों स्मार्टफोन के चार्जर में आप डिफरेंट देख सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी F02S में आपको मात्र 7.5 वॉट का एक नॉर्मल सा चार्जर दिया है, जिसमें आउटपुट रेटिंग 5 वोल्ट 1.55 एम्पीयर की आपको मिलती है। वहीं पर नार्जो 30A आपको दे रहा है 18 वॉट का एक फास्ट चार्जर, जिसमें आउटपुट रेटिंग आपको 5 वोल्ट 2 एम्पीयर 9 वोल्ट 2 एम्पीयर की मिलती है। दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको व्हाइट कलर की टाइप सी USB केबल मिलती है। सैमसंग गैलेक्सी F02S में काफी छोटे साइज की केबल आपको दी गई है, जबकि नार्जो 30A में आपको काफी अच्छी लेंथ और क्वालिटी की केबल मिल जाती है। और अब आ जाते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। इन्हें फील रियलमी नार्जो 30A काफी ज्यादा हैवी और मोटा मोबाइल लग रहा है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी F02S हाथ में काफी अच्छे से कम्फर्टेबल हो रहा है। दोनों स्मार्टफोन में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। सैमसंग ने यहाँ पर स्क्रैच गार्ड देने में कंजूसी कर दी है। जी हाँ, स्क्रैच गार्ड नहीं दिया है, जबकि रियलमी नार्जो 30A में आपको स्क्रैच गार्ड मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था, जबकि अभी तक हमारा सैमसंग अब जाके काफी टाइम लिया है इसमें ऑन होने में। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग की ब्राइटनेस कम है, इसे हम फुल कर देते हैं। तो डिस्प्ले क्लैरिटी आपको करीब से दिखाएं तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। सैमसंग गैलेक्सी F02S में आपको 400 निट्स की, वहीं पर नार्जो 30A में आपको 570 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। दोनों स्मार्टफोन के आइकन आप देख सकते हैं। वहीं पर यूजर इंटरफेस देखें तो स्क्रॉल अप करने पर आपको दोनों स्मार्टफोन में सारी की सारी एप्स नजर आ जाती है। कुछ ऐप आपको पहले से इंस्टॉल भी मिलती है, हालांकि आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के एज बेजल्स पे नजर डालते हैं तो लगभग सेम एज बेजल्स आपको दोनों स्मार्टफोन के देखने को मिलते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलती है, लेकिन सैमसंग आपको दे रहा है PLS TFT और नार्जो 30A दे रहा है IPS LCD। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 270 PPI की आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलती है। दोनों मोबाइल का रिफ्रेश रेट है 60Hz का। और ये है दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है कर्बी बैक पैनल के साथ। तो सबसे पहले सैमसंग F02S का बैक पैनल देखें तो यहाँ आपको ग्लोसी फिनिश बैक पैनल में देखने को मिलती है, जिस पर डायमंड कट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। लाइट रिफ्लेक्शन भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग। वहीं पर नार्जो 30A का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको डबल टोन डिजाइन देखने को मिलता है। ऊपर मैट फिनिश है और नीचे टेक्सचर डिजाइन दिए गए हैं। ये 3D डिजाइन यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ पर उभार हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर रिजिस हैं जिन पर स्क्रैचेस कम आते हैं। नार्जो की ब्रांडिंग की गई है। दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल को ध्यान से देखिए। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको सैमसंग गैलेक्सी F02S नहीं दे रहा है, वहीं पर नार्जो दे रहा है। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप पर एक साथ नजर डालें तो सैमसंग गैलेक्सी F02S में आपको ट्रिपल कैमरा और नार्जो 30A में आपको डुअल कैमरा मिलते हैं। सैमसंग गैलेक्सी F02S में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। वहीं पर नार्जो 30A में आपको
प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है। तीसरा गोला सिर्फ 100 पीस के लिए बनाया गया है। साथ में एलईडी फ्लैश लाइट आपको मिल जाती है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर सैमसंग आपको 5 मेगापिक्सल और नार्जो 30A आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है। राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड सैमसंग में आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए मिल जाता है, जबकि नार्जो 30A में कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे और दोनों स्मार्टफोन के बॉटम में देखें तो 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल सब कुछ बॉटम में दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड वर्जन 10Q मिलता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन है 3GB वेरिएंट, तो दोनों में आपको 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। एक्सपेंडेबल मेमोरी आप सैमसंग गैलेक्सी F02S में बढ़ा सकते हैं पूरे 1TB तक, जबकि रियलमी नार्जो 30A में ओनली 256GB तक का ही आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बात करें दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो सैमसंग गैलेक्सी F02S में आपको मिलता है 1.8GHz का ऑक्टा कोर और चिपसेट मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का। वहीं हम बात करें रियलमी नार्जो 30A की तो इसमें आपको मिलता है 2GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट मीडियाटेक हीलियो Z85 का। जी हां, एक गेमिंग प्रोसेसर आपको नार्जो दे रहा है मात्र 9000 रुपए की कीमत में। वहीं पर कई पीछे हो जाता है प्रोसेसर के मामले में सैमसंग गैलेक्सी F02S। सैमसंग में आपको 14nm का फैब्रिकेशन मिलता है और नार्जो 30A में आपको 12nm का फैब्रिकेशन मिलता है। ग्राफिक आपको एड्रिनो 506 के मिलते हैं सैमसंग में और माली Z52 के मिलते हैं नार्जो 30A में। सैमसंग F02S 3 कलर वेरिएंट में आपको मिलेगा, डायमंड ब्लू कलर, डायमंड व्हाइट कलर और डायमंड ब्लैक कलर। नार्जो 30A आपको मिलेगा 2 कलर वेरिएंट में, लेजर ब्लैक कलर और लेजर ब्लू कलर। जो भी कलर वेरिएंट आपको पसंद आता है आप परचेस कर सकते हैं। बात करें दोनों स्मार्टफोन के बैटरी की तो सैमसंग F02S में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी और नार्जो 30A आपको दे रहा है 6000mAh की दमदार बैटरी। एक नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पे डालते हैं तो कैमरा क्वालिटी देखिए, यहाँ पर काफी बड़ा डिफरेंट हमें दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा से देखने को मिल रहा है। नॉर्मल मोड में है हमारे कैमरा, जबकि हम देख सकते हैं रियलमी नार्जो 30A में आपको काफी कलरफुल कैमरा देखने को मिलता है, सैमसंग में उतना कलरफुल नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको करीब से दिखा देते हैं, जूम करके दिखाते हैं यहाँ पर, तो पूरा का पूरा आप कर सकते हैं इससे 8x जूम। जी हाँ, 8 गुना जूम हमने कर दिया है, जूम क्लैरिटी काफी कमाल की आपको मिल जाती है। वहीं पर नार्जो 30A से भी हम जूम करके देख लेते हैं तो ये हम जूम करते हैं और मात्र 4 गुना ही जूम कर सकते हैं आप नार्जो 30A से। दोनों स्मार्टफोन के हमने मोड सेटिंग को ओपन किया तो हमें यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F02S में प्रो मोड, पैनोरमा मोड और माइक्रो मोड ही देखने को मिला और बाकी ये स्टिकर्स हैं जिन्हें अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जबकि नार्जो 30A में आपको टाइमलेस मिल जाता है, स्लो मोशन अगर आप वीडियो बनाते हैं वो मिल जाता है, एक्सपर्ट मोड और पैनोरमा मोड यानी कि आपको टाइमलेस स्लो मोशन मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है, सैमसंग नहीं दे रहा है कोई बात नहीं। बाकी दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा देख लेते हैं तो सेल्फी कैमरा में भी आपको ज्यादा कलरफुल और ब्राइट कैमरा नार्जो 30A का ही देखने को मिलता है। सैमसंग का अच्छा कैमरा है ऐसा नहीं है, काफी अच्छा लग रहा है लेकिन उतना कलरफुल नहीं है। अगर आपको कलरफुल कैमरा पसंद है तो आपको नार्जो 30A का ज्यादा पसंद आएगा। तो ये थे 9000 रुपए की कीमत के अंदर मिलने वाले दो स्मार्टफोन। यहाँ पर बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना है, तो सबसे पहले मैटर करती है आपकी पसंद। अगर आप सैमसंग यूजर हो, पहले से सैमसंग के फोन इस्तेमाल करते हो तो आपको सैमसंग ही बढ़िया लगेगा, लेकिन अगर आप सैमसंग को यूज नहीं करते तो आपको नार्जो 30A काफी बढ़िया लगेगा। और मुझसे पूछते हो आप कौन सा परचेज करो, तो मैं सीधे आंख मूंद के नार्जो 30A ही परचेज करूंगा, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी F02S ने यहाँ पर पहले तो बॉक्स खोलते ही आपको एक 7.5W का नॉर्मल सा चार्जर दिखा दिया। जी हाँ, कम से कम हमें 10W का दे देते कोई बात नहीं, 15W का नहीं देते, हालांकि मोबाइल हमारा 15W का चार्जर सपोर्ट करेगा आराम से, लेकिन देना चाहिए था। और जो ये चार्जिंग केबल है इसकी लेंथ काफी छोटी है,
जबकि हमें नॉर्मल कम से कम 1 मीटर की केबल तो मिलनी चाहिए थी। अच्छी बात यह है कि टाइप सी दी है, PLS TFT डिस्प्ले दी है, प्रोसेसर क्वालकम स्नैपड्रैगन 450 का दिया है। अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर के शौकीन हैं तो आपको कहीं भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है सैमसंग ने। बाकी लुक वाइज डिजाइन कम्फर्टेबल सब कुछ बढ़िया है, कैमरा भी बुरा नहीं है, कैमरा भी अच्छा आपको इसमें मिल जाता है, डिस्प्ले क्लैरिटी भी आपको काफी कमाल की मिल जाती है, HD+ डिस्प्ले है, कोई दिक्कत नहीं, कलर्स अच्छे हैं और स्मूथ टच है। वहीं पर आ जाए हम Realme Narzo 30A पर, तो मात्र 9000 रुपए की। पहली बात तो ये, इसका प्राइस का ठिकाना नहीं रहता दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि सेल के अंदर ये मात्र 8000 रुपए का भी आपको मिल जाता है, 8000 रुपए का अगर मिल रहा हो उसी टाइम परचेज कर लीजिए। जी हाँ, 8000 रुपए के अंदर MediaTek Helio G85 आपको मिल रहा है, तो मत चूकिए, सीधा खरीद लीजिए, क्योंकि एक गेमिंग प्रोसेसर है, आप इसमें गेमिंग स्मूथली कर सकते हैं। 3GB रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज है, पर प्रोसेसर दमदार आपको इसमें मिल रहा है, बैटरी दमदार मिल रही है 6000mAh की, साथ में 18W का एक फास्ट चार्जर दिया गया। बाकी आप अपनी पसंद कमेंट बॉक्स में बताइए, दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा पसंद आया, कौन सा आप परचेस करना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।